पंचमी पर देर रात दो पक्षों में विवाद हुआ। सदर इलाके में धार्मिक गाना बजाने पर विवाद शुरू हुआ। ई रिक्शा में देर रात धार्मिक गाना बजा रहे युवक से मारपीट की गई थी और एक अन्य युवक पर चाकू से हमला किया गया। विवाद में लोगों की भीड़ सड़क पर उतर आई। बीजेपी नेताओं सहित हिंदू संगठन के लोग भी कैंट थाने पहुंचे, विरोध जताया। दूसरे पक्ष पर FIR और कार्रवाई की मांग की गई। पुलिस ने मोर्चा संभाला। हालात इस वक्त नियंत्रण में है। उमेश यादव हमारे सहयोगी फुल लाइन पर जुड़े हैं। उमेश, फिलहाल क्या स्थिति, क्या अभी तनाव बना हुआ है? अभी फिलहाल में स्थिति नियंत्रण में। दरअसल देर रात का मामला है। कल पंचमी का त्योहार था। देर रात में जो है सदर कैंट थाना क्षेत्र का सदर इलाका है, यहाँ पर एक ई रिक्शा ऑटो वाला, ऐसा बताया जा रहा है कि वो कोई धार्मिक गाना बजाते हुए जा रहा था, तो किसी दूसरे समुदाय के लोगों ने जो है उस पर आपत्ति की और उसके साथ मारपीट की। इसके बाद तनाव बढ़ा और दोनों पक्ष जो है आमने सामने आए और सैकड़ों की संख्या में दोनों दो तरफ भीड़ जमा हो गई और एक दूसरे पर पथराव करने लगे। पुलिस को सूचना मिली, भारी पुलिस बल पहुंचा और पुलिस ने जो है स्थिति नियंत्रण में की। उसके बाद जो सागर SP अभिषेक तिवारी के अनुसार जो है उनको कुछ पत्रियों की पहचान की है, जिसमें 11 लोगों पर अभी मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल जो है स्थिति नियंत्रण में है। जी बहुत शुक्रिया उमेश इस जानकारी के लिए आपका। तो सागर में रंगपंचमी के दौरान देर रात को विवाद हुआ, मामूली बात पर विवाद हुआ। उसके बाद दो पक्ष आपस में भिड़ गए, पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया। इस वक्त हालात नियंत्रण में है, ये राहत की बात है। तो रंगपंचमी पर दो पक्षों में विवाद का ये मामला है, जहां देर रात दो पक्ष आमने सामने आ गए। लाउड स्पीकर बजाने को लेकर, धार्मिक गाना बजाने को लेकर विवाद हुआ था। तो ई रिक्शा में गाना बजा रहे युवक से मारपीट की गई और उसके बाद ये मामला बढ़ गया। एक अन्य युवक पर चाकू से हमला किया गया। उसके बाद पुलिस फोर्स ने मोर्चा संभाला।